नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास में मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। उन सभी बच्चे को हर दिन सुबह लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप हमारे पास ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चले जाते हो ना, उसके बाद भी आपको हर दिन सुबह 8 बजे लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। ये इंडिया का किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं दिया जाता है, आप चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो। हर दिन सुबह बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास। इन लाइव सपोर्ट क्लास का किसी सा कोई चार्ज नहीं लगता है। चलिए दोस्तों आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। बताएंगे किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम होगा तो नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए जी। डायग्राम चाहिए था सर। बोलिए कौन सा मॉडल का डायग्राम चाहिए था? ओप्पो A1K का सर। ओप्पो A1K, इसमें क्या प्रॉब्लम है नेहरू? चार्जिंग सेक्शन का सर, ये क्या बोलते हैं, चार्जिंग सेक्शन का। ठीक है, हम दे रहे हैं, रुको थोड़ा सा लाइन पे रहो। स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन आपके पास शेयर हो गया क्या जी? मॉडल नंबर क्या था ओप्पो A1K? जी सर, थोड़ा सा लाइन पे बने रहेंगे। देखेंगे नेहरू अपना, देखो यहाँ से B2B कनेक्टर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको जो टेस्ट पॉइंट है, ये वीबस का टेस्ट पॉइंट है। इसको फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट लो। एक सेकंड थोड़ा रुकेंगे, और कोई लाइव आ रहा है। उसके बाद देखेंगे ये लाइन अपना आगे जा रहा है, और ये देखो चार्जिंग ऐसी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो लाइन है वीबस लिखा हुआ है, तो ये वीबस का लाइन मतलब इनपुट चार्जिंग एसी का है, और ये वीवेट लिखा है मतलब वीवेट का, ये चार्जिंग एसी का आउटपुट लाइन है, और ये VPS पावर वाली लाइन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब बताइए किन्हीं और के पास कोई प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग टू दुर्गेश, बोलिए। एक फोन है सर, उसका मॉडल नंबर भी पता नहीं चल रहा है, नोकिया का है कीपैड। सारा चीज चेक किए सर, बैटरी कनेक्टेड तक वोल्टेज भी आ गया। डीसी से चालू करते हैं। डीसी से चालू करेंगे, वो भी आईडी लाइन और ग्राउंड लाइन को एक साथ लगाएंगे। और ये आपका प्लस को एक में तो बीप करेगा, एक बार बीप करेगा, उसके बाद फोन चालू हो जाएगा। ठीक है, और बैटरी से चालू करने से वो फोन चालू नहीं होगा। एक बार BSI और ग्राउंड को आपस में सटा करके बैटरी लगा के चेक करो ना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो बैटरी का BSI होता है, बैटरी उसमें चेंज करके देखे है क्या? हाँ सर, नया बैटरी डाले। ओके, नया बैटरी डाले तो ये इशू नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपका BSI शॉर्ट करने से भी संभावनाएं थोड़ा कम बनता है सही होने का, लेकिन एक बार चेक कर लेना। ठीक है,
डीसी मशीन से ऑन होता है, बैटरी से नहीं ऑन होता है, तो ये तो ऑन होना चाहिए क्योंकि डीसी मशीन भी एक बैटरी ही है। बस उसमें ये होता है कि प्लस माइनस एक में, सॉरी प्लस और बीएसआई एक में, सॉरी माइनस और बीएसआई एक में लगा देते हैं और प्लस को अलग से लगाते हैं, इसलिए एक बार माइनस और बीएसआई को आपस में जम्पर वायर से शॉर्ट करके और एक बार चेक करना कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है जी, जी और कोई प्रॉब्लम है सर? और एक फोन था J7, सैमसंग J7, सर उसमें फोन में सर आप बटन वगैरह सब चीज चेक कर लिए हैं, जैसे फोन को बूट करेंगे चालू करेंगे तो वो डायरेक्ट डाउनलोड मोड में चला जाएगा। मतलब फोन को जैसे आप चार्ज करोगे, चालू करोगे ठीक है, डाउनलोड मोड में चला जाएगा। अगर J सीरीज का फोन ऐसा होता है, अगर डायरेक्ट डाउनलोड मोड में चले जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर का इशू रहता है, सॉफ्टवेयर करने से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो EMMC पे काम करना होता है। दूसरी चीज ये भी देख लेना, कहीं वॉल्यूम अप डाउन पावर ये सब शॉर्टिंग अगर रहेगा तो फिर डाउनलोड मोड में जाने का संभावना होता है, लेकिन ये देखने को कम मिलता है J सीरीज का फोनों में। ठीक है तो एक बार पहले फ्लैशिंग कर लेना ओडिन 3 से, अगर उससे सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो EMMC ऐसी को खोलना पड़ सकता है। ठीक है जी सर। और एक फोन था रेडमी नोट 10 प्रो, हाँ सर, फोन पटकाया हुआ था और फोन तो सर चालू हो गया, लेकिन शुरू में जब चालू करेंगे उसमें MI वगैरह सारा लोगो आ जाएगा और फोन चालू होने के बाद स्क्रीन ब्लू हो जाएगा। फोन चालू होता है उसमें डिस्प्ले में अच्छा दिखता है, उसमें MI का जो लोगो आता है वो अच्छा दिखता है, वो आता है प्रॉपर आता है। हाँ उसके बाद जब पूरा चालू हो जाता है तो डिस्प्ले ब्लू हो जाता है। चलो ठीक है, देखो ये जो केस रहता है ये आपका ग्राफिक सेक्शन का रहता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके होगा CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ग्राफिक्स लाइन को चेक कर लेना, डिस्प्ले कनेक्टर के पास ज्वाइंट क्वाइल वगैरह होता है वो सब को चेक कर लेना, अगर उस फोन में ग्राफिक्स IC दिया है तो वहाँ क्वाइल्स वगैरह VPS पावर वगैरह जाता है, उसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज वगैरह सिग्नल वगैरह सब सही है कि नहीं, मतलब ये सब है ऊपर से चेक करने का चीज़ है। बाकी रिवॉल्व जो करना होगा वो CPU रिवॉल्व करने का केसेस इसमें ज्यादा रहता है। ठीक है जी, और कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू मुन्ना, बोलिए सर। Realme C11 का आपको मॉडल नंबर है सर? हाँ। उसमें सिम लगाते तो मोबाइल ऑफ हो जाता है। Realme C11 उसमें क्या करना ना, एक बार आप बैटरी को चेंज करके चेक करना। ठीक है, अगर किसी भी फोन में हम सिम डालते हैं और फोन बंद हो जाता है तो ये सिम ट्रे का भी इशू रहता है अगर शॉर्टिंग वाटिंग रहेगा तो, और हम बता रहे हैं एक सेकेंड, उसका भी प्रॉब्लम रहता है और बैटरी का भी इशू रहता है और सिम का भी इशू रहता है, तो एक बार सिम चेंज कर लेना, सिम ट्रे का ट्रैक देख लेना, ठीक है कहीं कोई सेटिंग नहीं है तो बैटरी को चेंज करके देखना। ठीक है, हाँ तो बैटरी को थोड़ा सा चेंज करके देखो, अगर आपके पास DC पावर सप्लाई है ना तो DC पावर सप्लाई में भी कनेक्ट करके और चेक करके देख सकते हो सिम डाल के। ठीक है, मोबाइल सिम निकालते हैं तो मोबाइल पूरा प्रॉपर। हाँ हम समझ गए, ये केसेस आपको वीवो का फोनों में भी आता है, बैटरी चेंज करने से शॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो बताएंगे चलिए, मैं लगता है आज और कोई किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आज का क्लास को बंद करते हैं जी।
किसी के पास और किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बंद करते हैं आज, है ना।